हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्ते। विंटर का दिन आया है, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। प्लांट्स में हर तरह से फ्लावर्स दिखेंगे और सब्जियां की तो बाहर ही है, बस हमें अभी सब्जियां लगाना शुरू हो रही है। आज मैं कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग करूंगी और एक बार अपने गुलदाउदी को भी दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से प्लांट्स हो रहा है, 2-3 कटिंग लगाई थी लेकिन प्लांट्स में अभी कलियाँ बनना भी शुरू हो रही है। 1 महीने के अंदर ये फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिलेंगे। आप अभी ग्रीन देख रहे हैं लेकिन मुझे फूलों का कलर पता नहीं है, कौन सा येलो है कि मैरून है। आज मैं अपने सब्जियों की हार्वेस्टिंग करूंगी। जो जो अपने घर में सब्जियां हैं उसको सब निकाल देती हूँ क्योंकि बर्ड्स वगैरह सब खराब कर देते हैं। तो पहले से मैं मूला हार्वेस्टिंग करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, इसमें मूला लगा है लेकिन मैंने मूला को थोड़ा सा डिले कर दिया है। तो ये देख सकते हैं बहुत कड़क हो रहा है, लेकिन अभी ये मूला कल परसों बहुत बढ़िया था। अभी मुझे नया मूला इसमें लगाना है, ये देख सकते हैं। और इसमें भी मूले लगे हैं लेकिन ज़्यादा ये हो गए हैं। हम ज़्यादा दिन तक रखने से ऐसे ही मूले बन जाते हैं। और कुछ मूले यहाँ में भी लगे हैं क्योंकि मुझे अभी इसमें कुछ लगे नहीं है, शायद ये रहने देते हैं। तो इतने मूले बन गए हैं, मिट्टी से थोड़े काले हो गए लेकिन इसको मैं बाद में वॉश करने से ये वाइट हो जाता है। उसके बाद ये है स्पिनिच, मलबार स्पिनिच है। इसकी आजकल थोड़ी केयर नहीं हो रही है, पता नहीं बेल फंगस हो रहा है, थोड़े से कीड़े भी आ रहे हैं लेकिन ये बेल बहुत अच्छे से बन रही है। इसके मैं बाद में पत्ते तोड़ूंगी। कुछ मिर्चियाँ लगी हैं, अभी हमें मिर्ची का बहुत काम पड़ता है, देख सकते हैं। एक कुछ मिर्ची मैंने प्लांट्स में इसलिए सूखने दिया है कि वह बीज डालने के लिए अच्छा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, ये है करेला का प्लांट्स और बहुत करेले लगे थे मैंने उस दिन, 2-3 करेले तोड़े थे। अभी देखिए येलो पत्ते भी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया करेला लगा है, 3-4 करेला मैं पहले से तोड़ चुकी हूँ। करेला बहुत जल्दी येलो हो जाते हैं। मैंने अपने जो नीचे के बालकनी में है वहाँ मैंने करेले नहीं तोड़े तो वो बहुत जल्दी येलो हो गए हैं। तो यहाँ पे बैंगन लगे हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं क्योंकि बैंगन ज़्यादा जल्दी तोड़ देने से अच्छा नहीं, तो बहुत जल्दी येलो हो जाते हैं। ये मसाला बैंगन के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये इसको सभी को तोड़ देती हूँ। कुछ यहाँ आप देख सकते हैं येलो हो गया है, वो छोड़ देती हूँ। करेले अभी छोटे हैं यहाँ के, ये वाला तोड़ लेती हूँ क्योंकि इसको कुछ नहीं लग रहा है। ये देखिए अंदर भी करेले रहते हैं, कुछ वेल मेरी सूख रही है। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट्स। अभी दिवाली आ रही है, हमें कड़ी पत्ते की बहुत ज़्यादा गरज रहती है। हम चूड़ा बनाते हैं, कुछ कैसे सब खाने में भी लगता है डेली। तो आप देख सकते हैं इतना बढ़िया ये पत्ता हो गया है, कड़ी पत्ता बहुत ही बढ़िया। इसकी खुशबू देखिए, मैं तोड़ रही हूँ ना, खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। लेकिन हमें कड़ी पत्ता जब हम तोड़ते हैं ना, नीचे से तोड़ते जाना है, ऐसे ऐसे खींचना नहीं, ऐसे खींचना नहीं है कभी भी, ऐसे नहीं तोड़ना है, हमें पूरा पत्ता ही तोड़ देना है। कोई कोई क्या करते हैं ना, ऐसे पत्ते खींच देते हैं, उससे ना प्लांट भी ख़राब होता है। तो जो ज़्यादा कड़क हो गए हैं उसी पत्ते को तोड़ूंगी, जो सॉफ्ट पत्ते हैं वो मैं नहीं तोड़ूंगी। ये प्लांट बहुत हेल्दी हो रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। तो अभी मैं ज़्यादा मुझे तोड़ना है, ये देख सकते हैं ये प्लांट बहुत बढ़िया हो रहा है। हमेशा मैं खट्टा छाँस दही का और अपने घर का जो ऑर्गेनिक रहती है लिक्विड फर्टिलाइज़र ये सब देती हूँ। तो और मुझे लगेगा कड़ी पत्ता क्योंकि अभी दिवाली के मौसम में हम लोग चूड़ा ज़्यादा बनाते हैं पतले पोहे का, तो उसको बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ते की गरज रहती है। कुछ करेले मैं नीचे के बालकनी में हैं, तो आप देख सकते हैं कितने सारे मैंने कड़ी पत्ता हार्वेस्ट किया है।
पहली बार मैंने इस प्लांट्स का इतना ज़्यादा हार्वेस्ट किया है, क्योंकि इतनी गरज नहीं पड़ती है हमें। अभी मुझे पानी देना है, क्योंकि पानी से ऐसा सूख गया है, तो मुझे अभी पानी देना पड़ेगा, नहीं तो ये प्लांट थोड़ा सा ये हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ मिर्ची लगी है, ये देख सकते हैं कीड़े इसे खा लेते हैं, बर्ड्स कीड़े हो, इसे अच्छा ना हमें तोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पे भी एक मिर्ची लगी है और यहाँ पे भी लगी है, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं मैंने कुछ दाल सुखाने के लिए, कबूतर भी परेशान करते हैं, तो ये देख सकते हैं आज की मिर्ची, और भी मिर्ची लगी है। कुछ मैं अपराजिता के फूल हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि त्यौहार के दिन है, हमें फूलों की भी गरज पड़ती है। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने फलियाँ नहीं तोड़ी, फूल नहीं तोड़े, तो ये फलियाँ बनना शुरू हुआ, उसके बीज ऐसे ही गिर जाते हैं और प्लांट्स बन जाते हैं। तो मैं कभी भी प्लांट्स नहीं लगाती अपराजिता के, तो यहाँ पे भी फलियाँ देख सकते हैं बहुत भर भर के आई है। हमें ये बीच बीच में फलियाँ तोड़ देना है, लेकिन मैं तोड़ती नहीं हूँ, फ्लावर्स प्लांट को अच्छे लगते हैं बोल के रहने देते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो ये फलियाँ हमें सुखाने, जब प्लांट्स को सूख जाते तभी तोड़ देना है, नहीं तो तड़क के वैसे भी कहीं भी फूट के गिर जाते हैं, प्लांट्स निकल जाते हैं या हमारे मिट्टी में चले जाते हैं जब झाड़ू करते हैं कंपोस्ट में, तो उससे पहले से हमें ये फलियाँ तोड़ देना है। तो आप किसी को दे भी सकते हैं। आज मैंने अपने प्लांट्स की बहुत ज़्यादा फलियाँ भी तोड़ी है, आप देख सकते हैं ये सफ़ेद वाले अपराजिता है, ये ब्लू वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, फ्लावर्स तो बहुत अच्छे से आए हैं, दिल तोड़ने का दिल नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स को ही फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान का भी तो उसके ऊपर अधिकार रहता है, तो थोड़े फ्लावर्स में भगवान के लिए भी तोड़ती हूँ। और पता है इतना खुशबू आ रहा है, जो हम ऑर्गेनिक गेंदे के फ्लावर्स के प्लांट्स लगाते हैं उसमें खुशबू रहती है ना, बहुत अच्छे से आती है। आप जैसे खेतों में जैसे गेंदे की खेती बनाते हैं, वहाँ पे वो बहुत पेस्टिसाइड सब कुछ केमिकल्स डालते हैं ना, तो आप उनके फ्लावर्स का खुशबू देखिए इतना नहीं आएगा। अभी मैंने अपने हाथ पे रखा है ना, तो इतना अच्छे से खुशबू भी आ रहा है, तो देख सकते कितने बढ़िया फ्लावर्स। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगे हैं, लेकिन जो बड़े गेंदे के फ्लावर्स थे इस बार पता नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा लगाए थे लेकिन वो मेरे प्लांट्स को अभी तक फूल खिले नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बैंगन लगा है, अभी बैंगन का मेरा सीज़न इस प्लांट्स का कम हो गया है, पता नहीं क्यों उधर, तो इस टोमेटो जो है मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि कल मैं दो तीन टोमेटो तोड़ी थी। ये है चेरी टोमेटो, लेकिन हमारे यहाँ बर्ड्स बहुत आते हैं, सब टमाटर आधे खा के छोड़ देते हैं, काफ़ी टमाटर लगते हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से पालक लगी है, इसको मैं तोड़ देती हूँ, क्योंकि ये सैलेड के काम में आ जाते हैं, इतने भी हम पत्ते सैलेड में खाते हैं ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये देख सकते हैं पालक बहुत बढ़िया लगी है, ये जो मार्केट से हम लोग पालक लाते हैं ना, मैं उसी के रूट्स लगाई थी। तो कुछ टोमेटो यहाँ पे भी लगे हैं, काफ़ी टोमेटो लगे थे लेकिन पता नहीं ये बर्ड्स वगैरह सब खा लेते हैं, कुछ प्लांट्स तो इतना हेल्दी हो रहा है। ये फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं फंगस उसमें आ गए थे, परसों मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था, ये देखिए ऑरेंज कॉस्मोस का पूरा फंगस ने ख़राब कर दिया, आज मैंने पूरा पानी डाल के वो उसको प्लांट्स को सही किया। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज काफ़ी हार्वेस्टिंग किए अपने गार्डन से, ये है पालक, कड़ी पत्ता, और लगे तो मैं बाद में और तोड़ सकती हूँ, फिलहाल मुझे इतने ही कड़ी पत्ते की गरज थी। और ये है चेरी टोमेटो, ये बैंगन है, पांच बैंगन निकले हैं, और एक आलू डाल के अच्छे से सब्जी बन जाएंगी। कुछ फ्लावर्स है अभी थोड़े तोड़ लेते, करेले तीन चार नीचे रखे हैं, उसकी भी बहुत अच्छी सब्जी हो जाएगी, और सैलेड के लिए अरे पत्ते की साग भी बन जाती है। काफ़ी मेरा एक दिन के तीन चार सब्जी थोड़ा थोड़ा करके हम बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने इतनी सारी चने की भाजी हार्वेस्ट की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने गार्डन से आज इतनी सारी हार्वेस्टिंग की है, काफ़ी है। ये है चना साग, पालक,
ये बैंगन, टोमेटो, कुछ फ्लावर्स मैंने थोड़े से तोड़े हैं, और ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने बहुत तो हार्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे और तोड़ बाद में तोड़ूंगी। एक करेले हैं, पहले मैं दो करेले तोड़ चुकी थी। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने घर की ऑर्गेनिक जहर मुक्त ये सब्जी।